तपो जपो से सजा हुआ मेरे गुरु रामदास जी महाराज का हरमंदर साहब, बाबा बुड्ढा जी महाराज, गुरदास जी महाराज के हाथों से, वो संतों के हाथों से नी रखी हुई, मैं उसको कभी ढाल ना बनाता, मैं कभी कवच ना बना। अपने देश को तोड़ने के लिए मरना है, मैंने देश को जोड़ने के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, गुरु महाराज की सोच पे चलते हुए, मैंने ये देखा कितना भी खून निकला पंजाब के अंदर, पर हिंदू सिखों को जुदा नहीं को कर पाया। अगर जुदा करने की कोशिश को करता है, वो चार लोग इधर हैं, चार इधर हैं, आम हिंदू आम मेरे सिख भाई में कोई फर्क है ही नहीं, आप बता दो को फर्क है। जो घटना अभी चंडीगढ़ में इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिस के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से हमला, चार आतंकवादी करनाल में पकड़े गए, हथियार कहां से आए, ड्रोन के जरिए तरनतान से हथियार आए, अभी और आरडीएक्स पकड़ा गया, और कल गुरुद्वारा प्रबंधक की मीटिंग भी हो गई कि बंदी सिखों को छोड़ा जाए। हम इसके बारे में कभी कोई चर्चा की नहीं, मेरे पे बम ब्लास्ट हुए, देवेंद्र पाल भुल्लर के बारे में इलेक्शन के दौरान अभी तक चर्चा का विषय जारी कई सालों से, हम नहीं कभी बोले। जो कोर्ट फैसला करेगी ठीक है, क्या बोल के क्या करना। एक तरफ आतंकवाद फिर से अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान में बैठे हुए वो आतंकवादी निक्का के नीटा कौन, जिसका नाम आपने सुना रिक्का, अब ये रिक्का जैसे आतंकवादियों को, परमजीत पांजवर जैसे आतंकवादियों को, ये बब्बर खालसा वालों को कहने, बब्बर खालसा कौन से बब्बर खालसा, लोग कहने से डरते हैं क्या। अरे आपके वो महान योद्धे महाराज रणजीत सिंह, जिसका काबल कंधार था, राज था बब्बरों और खालिस्तानियों, वहां तक राज था, उनकी फौजों के जर्नैल थे सरदार हरि सिंह नलुआ जी, जालम कामते थे, माए कहती थी काबल कंधार तक बच्चा सौजा नलुआ आ गया, कहां योद्धों का राज, और उसके स्टैचू को टुकड़े टुकड़े कर दिए कुछ महीने पहले पाकिस्तान में। तो बब्बर खालसा वालों, खालिस्तानियों, मेरे से बहस तो करो, पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वालों, हमारी पगड़ी पर रोज दाग लगाते हो आप। ये जो बम लेके जा रहे थे, जो भेजे थे आपने पाकिस्तान से आईएसआई से पैसे लेके, जो टुकड़ों पे रोटी खाते, लंबी लंबी पगड़ियां बांध के, अंदर से आप है क्या। अगर महाराज रणजीत सिंह के स्टैचू को तोड़ा था, मारते वही, हम भी यहां आपके परिवार को सम्मानित करते। अगर गुरु नानक देव जी महाराज के ननकाना साहब के गुरुद्वारा को एक काफर ने कहा नाम बदल दो, मारते, गोलियां छाननी करते, आपके परिवार को सम्मानित करते। काबल कंधार में एक गुरुद्वारा साहब के अंदर विराजमान गुरु महाराज का पुराना ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब, और भाई बहन माता पिता सब बैठे गोलियों का निशाना बना के बच्चों को, औरतों को, पिता को, मां को गोलियों से बुन डाला, कहां थे आप, कहां हो बब्बर खालसा खालिस्तानियों, वहां कहां थे आप, है यहां आके रोज खालिस्तान की बात करते हो, पाकिस्तान के इशारों पे कश्मीर में इसके छक्के छुड़ा दिए, पंजाब में आप फिर आ गए, आप 36,000 बेगुनाहों का खून पीने के बाद, पंजाब के अंदर 19,000 हिंदू भाइयों का खून पीने के बाद, किसी के हाथ में तरछूल नहीं, किसी के हाथ में कृपाण नहीं, किसी के हाथ में बंदूक नहीं, आपने गोलियां से उड़ा दिया। क्या सिख कौम का इतिहास यह कहता है? सिख कौम का इतिहास कहता है मजलूमों की रक्षा, बेसहारों की रक्षा। कश्मीर के अंदर 35-40 के करीब सिख भाइयों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से शहीद कर दिया, कहां से हो खालिस्तानी हो बब्बर खालसा वालों, किसी के अंदर बोलने की हिम्मत ही नहीं रही, पंजाब तो बात ही नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान से, पूरा हिंदुस्तान हमारा, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, हिंद की चादर क्यों कहते हैं, हिंदुस्तान के रक्षक गुरु तेग बहादुर शीश दिया चांदनी चौक। अभी मोदी जी गए लाल किला में, पहली बार समागम हुआ, पहली बार लाल किला में हुआ, मजलूमों की रक्षा, भाई मती दादी आरों में चिनवाई की गई कि सिख कौम के लिए, मजलूमों की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई गई। इतिहासों को भूल गए,
अब गुरु महाराज साहबान को भूल जाएंगे, अब जो 36,000 बेगुनाहों का जिन्होंने पंजाब में कत्लेआम किया था, अब उनकी तस्वीरें लगा के घूमोगे? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। इतिहास को कहां छोड़ रहे हो? कल मैं जोधपुर में था, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वहां की किसी ने लंच में बुलाया था, सारे आए। एक सरदार साहब थे, उनकी ट्रांसपोर्ट का नाम है खालसा बस, ये कल की बात, 200 बसें। मुझे क्या कहते हैं, कहते जी सुबह उठ करके जब भी गुरु महाराज के चरणों में जाता हूं, मैं क्या कहता हूं, हे गुरु महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज जिस मातृभूमि के लिए अपना निवारण किया, मजलूमों की रक्षा के लिए, मुझे उस राष्ट्र से जोड़ के रखना। गुरुद्वारा के प्रेसिडेंट, और लहसुन प्याज नहीं खाते वो, और गिला करते हैं, कहते पंजाब में जो कुछ सुन रहे हैं हमें यहां शर्म आती है। और जब लंगर लगाते, गुरु नानक देव जी का था, 85,000 लोगों का उन्होंने एक टाइम पे, कहता कहां से घी आ रहा है, कहां से आना पता नहीं है, वो भी तो सरदार जी हैं, महाराष्ट्र पे भी हैं। इन खालिस्तानियों, बब्बर खालसा वालों को और जो खालिस्तान के समर्थन करने वालों को पूछना चाहता हूं, क्या पंजाब के बाहर सिख नहीं रहते भाई? क्या महाराष्ट्र के अंदर, क्या मध्य प्रदेश के अंदर, क्या गुजरात के अंदर सिख समाज नहीं रहता? क्या उनका फिक्र नहीं है, क्यों हुए से 84 के दंगे कभी किसी ने निचोड़ निकाला? इतिहास के पन्नों को जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और बाकी पॉलिटिकल पार्टियां खोल के देखें, मैं तो गवाह हूं, मेरे सामने आ जाए, बता देंगे आतंकवाद शुरू कहां से हुआ। हमारी राजनीतिक गलतियों से आतंकवाद शुरू हुआ, हमारी राजनीतिक गलतियों से 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, हमारी राजनीतिक गलतियों से छोटे छोटे लड़के इन नेताओं के भाषणों से AK-47 पकड़ के माओ के लाल इन्होंने मरवा दिए। अब फिर चाहते माओ के लाल मरवाना, जे भावुक भाषण दे के उनके फ्यूचर देखने चाहिए। कहां देश इन्होंने कर दिया, बंदी सिखों की रिहाई कर दो। बंदी सिख कौन हुए? 36,000 बेगुनाहों के कातल बंदी सिख हुए। एक बंदी राजे छुड़वाए थे गुरु हरगोबिंद साहब ने, महाराज ने ग्वालियर से 58 उनको कहते थे बंदी गुरु महाराज ने, और ये बंदी सिख, और इतना तो कह दो, इन्होंने ट्रेनों से निकाल के इतने बेगुनाह लोगों को मारा था, इन्होंने बसों से निकाल के इतने लोगों को मारा था, इन्होंने MS बिट्टा पे हमला किया था, इनको पूछे मैं किसी को मारा, मैं किसी पे गोलियां चलाई, मैं किसी पे केस रजिस्टर कराया, मैंने किसी का एनकाउंटर कराया, मैं दावे से कहता हूं अगर कराया ना, ये आपके चौक पे खड़ा हो जाता हूं, एफिडेविट जो आए मेरे, इतनी गोलियां मारो कि मेरे नस भी ना बचे, मैंने किसी को मारा नहीं। ये मेरे दोस्त बैठे, मेरे साथी बैठे, 1,000 बोतल उस टाइम पे लाइन लगा के लड़कों की होती थी एमरजेंसी के लिए, गोलियां चलेगी, बम चलेंगे, जख्मी होंगे, खून तैयार खड़ा है। हम तो भाई गनैया जी की सोच पे चलते हुए एक पापी से थे, कम सेवा करते रहे, और आज तक घटिया किस्म के बयानबाजी हम अपने पे सुनते, कोई बात नहीं। बताइए मैंने को राजनीति आज तक की, कितनी इलेक्शन चलेगी, मैंने इलेक्शन लड़ी नहीं, बोनस की जिंदगी है, देश के लिए लड़ना है, देश के लिए मरना। और पंजाब हमने को फालतू बात की नहीं, पर अब आग लगी, अब हम अपने पे जिम्मेदारी उठाते हैं। पंजाब में ना खालिस्तान बना था, ना बनेगा, ना कभी बनने दिया, ना बनने देंगे, अपने कभी पूरे नहीं, हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, और पंजाब में अमन शांति, हिंदू हो सिख हो, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता, इसको एक रखना हमारा कर्तव्य है, उसके लिए हम खड़े हैं, हम खड़े रहे, कभी दूर नहीं जाएंगे। अब फिर हमारी जरूरत पड़ी है, हमने बार बार कहा जब पंजाब पे मुसीबत आएगी तब आएंगे, नहीं है तो हम पंजाब में नहीं आएंगे। अपना अपना काम अच्छा चल रहा करें, हिमाचल के अंदर देख लो खालिस्तान के नारे, विधानसभा के अंदर चीफ मिनिस्टरों को धमकी, बाहर कब आएगा हम इनको मारेंगे, हम किस तरफ जा रहे हैं? बार बार वही बात करें, 36,000 बेगुनाहों का खून पीने के बाद फिर खून पीने पे आ गए, कहां मानवता की कौम, कहां तपो जपो की कौम? उस वक्त आप हिंदू मारते थे भाई, वही फिर काम आपने किया जो औरंगजेब करता था, इतने हिंदू भाइयों के जनेऊ में लेके आओ तो फिर हम रोटी खाएंगे, आप भी फिर वही किया। जो कौम ने मानवता की रक्षा की, जिस कौम के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने 4 लाल इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए, कौम के लिए निछावर कर दिए, उस कौम के असूलों पे चलते हो, औरंगजेब की सोच पे चल रहे? सवाल पूछना चाहता हूं इन खालिस्तानियों,
और जो पंजाब में खालिस्तान के लड़के नारे देते हैं ना, इनको पूछना चाहता हूं, ये नारे दिए थे अभी दीप संधु की डेथ हुई, हीरो बन गया इनकी कौम का दीप संधु, कहां मास्टर तारा सिंह जी, कहां संत फतेह सिंह जी, कहां सरदार चन्नन सिंह जी, कहां गुरचरण सिंह टौरा जी, महान व्यक्ति इस कौम। मैं अभी के लोगों की बात करता हूं, और कहां दीप संधु जी। जी गीता ज्ञान बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना का तुम्हारी ऐसी की तैसी, पहले भी बनाई थी, अब बनाएंगे। ये भाग जाएंगे पॉलिटिशियन मैदान छोड़ के, कुर्सी सत्ता की खातिर बोलने में इनको तकलीफ होती है, अपन खड़े बोनस की जिंदगी लड़ेंगे। पहले भी जवान AK-47 की तरह आपको पाड़ के रखती थी, आज भी पाड़ेगी। मारना है ना, मारो, कभी भी जब जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे, आप मरोगे तो कुत्ते की मौत मरोगे, हम कहलाएंगे तो आप चार लोग है ना, ये कहेंगे ना बिट्टा को मार दिया, यही कहते ना पहले तेरी एक टांग तबाह कर दी, अब दूसरी अब तेरे कर दो। आपने देश को तोड़ने के लिए मरना है, मैंने देश को जोड़ने के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, गुरु महाराज की सोच पे चलते हुए, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर उनकी महाराज की कपापी एक गुणगार से, हम उनका नाम लेने की भी काबिल नहीं, हम उसकी सोच पे चलेंगे, भाई गणैया जी की सोच पे चलेंगे। वो खालिस्तान बनाना चाहते, एक तो सुबह अरदास होती है, हमारे बिछड़े गुरुद्वारा साहब भी हमें वापस सौंपना, हर गुरुद्वारा साहब में सिर झुका के विराजमान उनके सामने होती है, ये हमसे गुरुद्वारा साहब साथ में जो है उनको भी बिछड़ने की बात कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में गुरुद्वारा साहब महाराज का पासपोर्ट के जरिए, बंगला साहब पासपोर्ट के जरिए। और नौजवानों सुन लो, इन भावक भाषणों में आने वालों सुनो, हमारा कहां तक, हमारा इंसानियत, हमारी कौम कहां तक फैली है, 2 करोड़ दुनिया नमस्तक करती इस पगड़ी को, गुरुद्वारा साहब हरिमंदर साहब में, बंगला साहब, शीशगंज साहब, रकाबगंज साहब, मोती बाग, जहां गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जालिमों के ऊपर तीर चलाया था, लाल किला में रंगजेब के गया था, पटना साहब गुरु महाराज का जन्म स्थान, नदेड़ साहब अमर आखिरी स्थान, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, लखपत साहब जहां गुरु नानक देव जी श्री चंद जी महाराज की खड़ावे उनके चरण विराजमान है, ग्वालियर की धरती मध्य प्रदेश के अंदर जहां 58 राजों को हर गोबिंद सिंह महाराज ने सजाया था, और तुहाडी ऐसी दी तैसी, और तुसी चाहते हो कि हम वहां पे पासपोर्ट के जरिए भेजना चाहते हो, को है बहस करने को तैयार खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर कि खालिस्तान का मतलब क्या है, इतना समझा रहे खालिस्तान का मतलब क्या है, खालिस्तान का मतलब पता नहीं, और सब चले खालिस्तान। ये मामान साहब ने कल बोला बुजुर्ग, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, खालिस्तान पंजाब कितना पंजाब रह गया, पहले लाहौर काबुल कंधार तक महाराज रणजीत सिंह का राज, पंजाब का राज, फिर बनाया पंजाबी सूबा, निकल गया हरियाणा, निकल गया गंगानगर राजस्थान, निकल गया हिमाचल, निकल गया हरियाणा, निकल गया जम्मू कश्मीर का हिस्सा, जम्मू का कुछ हिस्सा, पल्ले क्या रहा, इतना सा पंजाब, ये पठानकोट 3 घंटे में 2.5 घंटे में पंजाब घूम ले, ये रह गया राजपुरा और ये रह गया बठिंडा, अब इसके अंदर कहते खालिस्तान बनाएंगे, और भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलाना चाहते हो, ये रॉकेट लॉन्चर चलाने वालों, ये गैंगस्टरों, ये करनाल के अंदर ले गए हथियार, पता नहीं कहां लेके जा रहे थे लोगों को, मानवता को मारने के लिए, कहां पहुंचाना चाहते हो, क्या पंजाब के बाहर जो सिख है या हिंदू पंजाबी समाज, क्या उसको को रहने देगा, उनको इधर आना पड़ेगा, उनके अब जो मैं खालसा बच की बात कर रहा, 200 बच्चे हैं जनाब, 200 बच्चे, ऐसे कितने सरदार होंगे मेरे भाई मेरे पिता समान, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश सब जगह पे जाता हूं, पूरे देश में टूर रहता है, क्या खुशहाल सरदार है, क्या उनकी इज्जत है, क्या गुरमुख है, किस तरीके से आपने 10-9 की कमाई से गुरुद्वारा साहब को सजाया है, खून पसीने से सजाया है, और इतना भाईचारा मैं बता नहीं सकता, पर कभी शो ऑफ नहीं करते, उनको यहां पंजाब में लाना चाहते हो, है क्या पंजाब में आपके पास, क्या दिया पंजाब में पॉलिटिशियनों में, नशे का व्यापार, पहले आतंकवाद, माओ के बच्चे भड़काऊ भाषण देके मंजी साहब में बंदूकें पकड़ा करके उनके माओ के लाल मरवा दिए, और आप वही के वही खड़े रहे, और अपने को बचाते बचाते गुरुद्वारा साहब पे ये ऑपरेशन करवा डाला, ब्लू स्टार ऑपरेशन, ब्लैक थंडर करा डाला,
अगर बाहर ही सिलेंडर कर देते तो गुरुद्वारा साहब तो बच जाता, कौम पे दाग तो ना लगता, पार्टियों पे दाग तो ना लगता, इतिहास पे दाग तो ना लगता। मैं अगर भाई जीवे कहीं अंदर होता बाहर होती फौज, सुनने वाले सुन लो, इस मीडिया के जरिए नई जनरेशन को पता नहीं भावुक करते हैं। मैं अगर होता सच्चा सिख, गुनाहगार भी होता पापी भी होता, बाहर आती फौज के तरह निकलो, नहीं तो बम गोलियां चलाएंगे। रोज लोगों को मारते हो आप, मार के अंदर भाग जाते हो तो क्या करती पुलिस, क्या करती फौज। मैं कहता नहीं, मैं आ रहा हूं बाहर। तपो जपो से सजा हुआ मेरे गुरु रामदास जी महाराज का हरमंदर साहब, बाबा बुड्ढा जी महाराज, गुरुदास जी महाराज के हाथों से, वो संतों के हाथों से नींव रखी हुई, मैं उसको कभी ढाल ना बनाता, मैं कभी कवच ना बनाता, ये कोई नहीं भूलेगा। वो कभी कवच ना, मैं आता गा पार आया जी, मारो किनिया गोलियां मार दिया, मरना तो वैसे भी है, आओ। और मेरे गुरु रामदास जी तपो जपो से सजी हुई धरती, उसको एक कंकर भी गोली ना लगे, खुद भी चले गए, संगत भी मत्था टेकने वाली मरवा डाली, और गुरुद्वारा साहब भी डेरी करवा दिया, और सारी जिंदगी का दाग लग गया। गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज थे ना, एक है हरगोबिंद जी का किला अमृतसर में, वो किस लिए सजाया था कि जंग हरमंदर साहब को किला नहीं बनाया जाएगा, किला बनेगा तो हरमंदर साहब के बाहर बनेगा। कौन बनाने वाले थे किला? हर आदमी की गलती थी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भी उसकी गलती थी, और जिन्होंने बंदूक पकड़ी उनकी भी गलती थी। आज फिर उस रास्ते पे चल गए हम। अब छोड़, बात हो रही है अभी पेपर, आज बात हो रही है कि हम छड़वाएंगे बंदी सिखों को बुल्लर का पेपर। अब जिस आतंकवादी ने मेरे ऊपर दिल्ली में हमला किया, गुड़गांव जगराओं के अंदर ट्रेन से निकालकर सिख भाइयों को छोड़ के हिंदू भाइयों का गोलियों का निशाना बना दिया, उसको फांसी की सजा हो गई। फांसी की सजा होने के बाद 25 साल से मैं केस लड़ रहा हूं, बाकी पेपर दो ना उसकी फोटो, और उसके लिए कौन पेश होते हैं, ये देखो, ये देखो तस्वीरें, बम ब्लास्ट की तस्वीरें, ये देखो तस्वीरें, बंदी सिख, आ देखो मानवता को मारने वाले बंदी सिख, आ देखो लो, आ देखो सिर हाथ में पकड़े हुए, ये सिख कौम के हीरो, और सिख कौम के हीरो, ऐसी ऐसी गर्दने लटकी, 25 गर्दने पढ़ लेना तुम्हें, 25 गर्दने लटकी, आ देखो आ देखो तबाही, बंदी सिख मानवता के किने, मानवता को बचाया, मानवता को मारा, आ देखो जी, आ नई जनरेशन को बताना चाहता हूं, यह गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सोच के उल्ट, गुरु तेग बहादुर महाराज की सोच के उल्ट, मानवता को मारने वाले, ये देखो जी, ये बंदी सिख, ये मुझे मेरे कमांडो लेके जा रहे, आ देखो जी, परिजन आना, आ देखो जी, मेरी गाड़ी उड़ गई, गाड़ी जवान का शरीरों के टुकड़े टुकड़े पता नहीं चला कहां हुए। कितना आरडीएक्स था? 40 किलो, 6 महीने पहले अमृतसर 45 किलो, अमृतसर हुए 25 शहीद, दिल्ली हुए 38 शहीद, अमृतसर हुए 90 जख्मी, दिल्ली हुए 70 के करीब जख्मी। बताओ भी मेरा कसूर क्या था? मैं तो चैलेंज करता हूँ बार बार, भी मुझे बता दो, मैंने किसी को इनकाउंटर किया, मैंने मारा है, मैंने केस रजिस्टर कराया, अकाल तख्त के जथेदार साहब को कहता हूँ सजाए मौत सुना दे, मैं आके कबूल करूँ। अब अकाल तख्त के जथेदार साहब या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट, मैं उनके ऊपर टिप्पा टिप्पणी नहीं करता, हमारे सरताज है, हमारी इज्जत है, हमारी कौम के हीरो है। अब वो भी अगर कहेंगे ऐसे बंदी सिखों को छोड़ दो, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कहेगी ऐसी बंदी सिखों को छोड़ दो, तो बताओ मैं किसको कहूं? मैं उनको तो बुरा नहीं कह सकता, केड़ी सजा पूरी की थी? सुप्रीम कोर्ट से केस चलता है, हैं? सुप्रीम, बात तो सुनो, आपने जवाब पूछा ना, पता तो मुझे, अरे एसपी जी जा रही है तो मैं विक्टिम, मैं हूं, मैं बताऊंगा ना आपको, आप सवाल पूछेंगे बताऊंगा मैं, अब मुझे बताओ जी
कनाडा से इनकी प्लानिंग होती है हमला करने की, दिल्ली में हमला करने आते हैं, हरनेक सिंह बप भी आता है, दया सिंह लाहौरिया भी आती है, इनकी वाइफ सूद भी आती है, एक महीने से रेकी करते हैं, कार बम तैयार करते हैं, मौका देख के बम चलाते हैं, बम चला के भाग जाते हैं, कोई जर्मनी को अमेरिका, वहां से पुलिस पकड़ के लाती है, फिर केस चलता है, केस चलने के बाद फांसी की सजा होती है, ठीक, फांसी की सजा होने के बाद वही तो मैंने सुप्रीम कोर्ट केस डाला, आपको तो पता ही नहीं मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस क्या डाला, कि केस इसलिए डाला कि आतंकवादियों का इतना बड़ा नेटवर्क, कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान, जर्मनी, ये मैं गवाह हूं, हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस पार्टी का लीडर, यह कपिल सिब्बल पेश हुआ कोर्ट के अंदर, राम जेठमलानी हुआ, यह तुलसी पेश हुआ, कहां है तुलसी का, यह देखो मुकल रत्तोगी, फीस पता कितनी लेते हैं, एक घंटे की 20 लाख, मैं 20 लाख अफोर्ड कर सकता हूं बता दू, विक्टिम में मेरे साथ 38 लोग शहीद हुए, बाकी जख्मी हुए, वो तो केस लड़ नहीं सकते, मैं नहीं लड़ सकता, ये पैसे कहां से आ रहे हैं, ये पॉलिटिकल एजेंडा जो जो सारी मोनोपोली बन गई, पुलिस ऑफिसर भी मिल गए, पुलिस अफसर पॉलिटिशियनों के गुलाम बन गए, गुल्लर को मेंटली अपसेट करार देने के लिए डॉक्टरों ने फंडिंग से पैसे भी खा लिए, पॉलिटिकल पार्टियां इन्फ्लुएंस में आ गई, पहली आई वो आ गई, दूसरी आई वो आ गई, तीसरी वो आ गई, इतना बड़ा नेटवर्क हम, यही तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में डाला है कि जज साहब मैं आपसे ये इंसाफ चाहता हूं कि मैं तो केस नहीं लड़ पा रहा हूं, पर इनका वकील एक घंटे की फीस 20 लाख रुपया लेता है, अगर आम को टेररिस्ट विक्टिम फैमिली को जवान शहीद हो जाता है, उसकी पत्नी उसके बच्चों ने केस लड़ना है, वो तो कोर्ट तक जा ही नहीं सकता, घर से निकलेगा वापस मुड़ जाएगा, गश पड़ जाएगी उसको, यही नेटवर्क लिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, और एक दिन पहले सुरक्षा जोड़ दी, एक दिन पहले कितना बड़ा नेटवर्क, मेरी सुरक्षा हटाई गई जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, अमृतसर में 6 महीने पहले ब्लास्ट हुआ, वहां 25 के करीब लोग शहीद हुए, अब मेरी सुरक्षा, एक दिन पहले विड्रा होती है, पावर में होता हूं, नरसिम्हा राव के बाद होता हूं मैं यूथ कांग्रेस में, वो कांग्रेस में यूथ कांग्रेस में, 15 दिन में दी, 15 दिन में हटाई जाती है, पूरी प्लानिंग के साथ ब्लास्ट हुआ, उनको पता चला अब सुरक्षा हट गई, ब्लास्ट हो गया, कुदरती एक ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर अच्छा था, उसको मैंने फोन किया भी ये क्या हो रहा है, कहते जी आपको खतरा बड़ा है, पंजाब से हमें इंफॉर्मेशन आई है, और आप होम मिनिस्टर को मिलने, होम मिनिस्टर को मिलने जा रहा था, अगर आधा घंटा पहले चले जाता मेरा प्रोग्राम होम मिनिस्टर का लेट हो गया, 500 लोग शहीद हो जाते, नौजवान 500 शहीद मर जाते बेचारे, मुझे मिलने आए थे, भीड़ थी, नया नया प्रेसिडेंट बना था, 500 आदमी बचा, अब मुझे बताओ, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट गया, सुरक्षा क्यों विड्रा हुई, डॉक्टरों का रोल क्या था, डॉक्टरों को किसका प्रेशर था, डॉक्टरों को कितना पैसा विदेशों से आके मिला, वकील जो कपिल सिब्बल, राम जेठमलानी, तुलसी, रत्तोगी वकील आए, उनको पैसा किसने दिया, मैं तो पैसे खर्च कर नहीं सकता, बुल्लर के लिए राजुवाना की फीस कौन दे रहा है भाई 20 लाख रुपया, क्या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी साहब, जब आप जाते हैं आप नमस्तक होते हैं, जो आपके दिल में आता आप अपना गोलक में डाल देते, मंदिर हो गुरुद्वारा साहब डाल देते, सेवा में डाल देते, वो इसलिए डालते हैं कि धर्म का प्रचार करो, धर्म बड़े बड़े अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, धर्म का प्रचार हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब आए उसका प्रचार हो, आपका जो पैसा आपका नमस्तक किया हुआ वो तो मानवता को मारने वालों के लिए आपने खर्च करना शुरू कर दिया, अब ये कोर्ट में अगर ये चीजें कल को कोर्ट का फैसला गलत आ गया तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पे तो उंगली उठेगी, आज तो बड़े बब्बर शेर होके बोलते हैं उंगली उठेगी, और जब पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि गुरुद्वारा साहब हम जो जाते हैं वहां मानवता को मारने वाले के लिए वकील खड़े करते हैं, ये बेगुनाह लोगों को मार दो, गुरु नानक देव जी महाराज के दिन के ऊपर करतारपुर साहब का जब हुआ कितने बंदी सिख छोड़ दिए, हमने को बयान दिया बता दो को दिया, जब हम बोलते ही नहीं, हम कुछ कहते ही नहीं, तो फिर भी रोज हमें क्यों छेड़ते हो भाई, हमसे आज परिवारों के लोग सवाल पूछते हैं बिट्टा जी कहां आपकी बोली बंद हो गई, बनाते फिरते हो एंटी टेररिस्ट फ्रंट, बड़ा शोर मचाते कहां हो, हमारा पति शहीद हुआ, हमारा पिता शहीद हुआ, आपके साथ शहीद हुआ,
हमारा क्या कसूर था, आप लड़ते क्यों नहीं? तो मैं क्या कहूं, बताइए ना मैं कहां जाऊं, मैं तो बोलता नहीं। एक तरफ मारना एक तरफ घूरना, ये दो काम नहीं होते। बिल्कुल, मैं कहना सिख कतलेआम होया गलत ही, पर होया क्यों? ब्लू स्टार मेरी बात सुनो ना, पहली तो शुरुआत करे आपने शुरू, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ क्यों, अंदर हथियार लेके गए क्यों, सरकारों ने उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने गंदी पॉलिटिक्स क्यों की, क्यों नहीं बताया पॉलिटिशियनों को, चाहे वो इंदिरा गांधी थी या ज्ञानी जाल सिंह था या दरबारा सिंह था, कि ये जो कर्म आप कर रहे हैं, ये जो उस आदमी को आप हरमंदर साहब में भेजते हैं सदा सता प्राप्त करने के लिए, कोई किताबें पढ़ने की जरूरत मेरे से पूछो, सदा सता प्राप्त करने के लिए पंजाब के लिए उस आदमी का कब्जा कराना चाहते हैं और अकाली दल को खत्म करना चाहते हैं। याद रखना आने वाले टाइम पे भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ा। ये एक मेरी कतलेआम होता ही ना, ब्लू स्टार ऑपरेशन होता ही ना। सरकारें अगर इंटेलिजेंस एजेंसियों के मन साफ होते कि हमने सिख पॉलिटिक्स पे दखलंदाजी नहीं करनी, ये इतिहास में लिखा गया कि गुरुद्वारा साहब की पॉलिटिक्स में कोई दूसरा आदमी दखलंदाजी ना करे, तो आप क्यों दखलंदाजी की? जो था अकाली दल था, जैसे भी था चलता रहता, हमें क्या लेना अकाली दल अपना चलाए, क्यों दखलंदाजी की कुर्सी सदा प्राप्त करने के लिए? उसके बाद क्या हुआ, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, हथियार अंदर गए, हथियार गुरुद्वारा साहब को किला क्यों बनाया, क्या कभी इसने चर्चा की? जहां लोग नमस्तक करते हैं रोज, हिंदू मुस्लिम सिख क्यों किया जी, बोलने को तैयार नहीं। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी को मारा, क्या इतना पता नहीं था कि अगर प्रधानमंत्री को मारेंगे बाकी स्टेटों में पॉपुलर है, पंजाब में नहीं है, दंगे भड़केंगे, क्या इतना दिमाग किसी का काम नहीं किया? 84 के जो दंगे हुए हिंदुस्तान से, उनका कसूर क्या था? मैं पूछना था, क्या उसने किसी को गोली मारी थी? क्या उसने किसी के ऊपर अत्याचार किया था? पंजाब में भावुक भाषण देकर के नौजवानों को, बच्चों को माए के लालों के हाथों में बंदूक पटका के भावुक करके पुलिस के हाथों से मरवा डाले और हिंदू उनसे मरवा डाले भाई, और दिल्ली हिंदू हाथों के भाइयों के हाथों में टायर पकड़ा के सिख भाइयों का कतलेआम करा दिया। इसके पीछे थी तो गंदी राजनीति, पॉलिटिकल टेररिज्म कहते हैं, राजनीति आतंकवाद कहते हैं इसको, पर बोले कौन? वो मीडिया भी नहीं रहा जो खोद खोद के निकाले। हम जख्मों पे नमक छिन करें, आपने देखा अभी कल हरमंदर साहब में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मीटिंग में क्या मता पास हुआ, क्या कहा सिमरजीत सिंह? वो खालिस्तान, खालिस्तान मतलब था, उसका विरोध कौन करेगा? अकेला बेटा या बाकी पॉलिटिकल पार्टियां क्या करेंगी? भाई साहब बोले क्यों ना, कोई बना तो देता, सिख सिख की बात करेगा, हिंदू की वो चार आदमी बात करेंगे वहां पे। पर एक मिनट, जो मंदिर के, जो पटियाला मंदिर के मेन ऑर्गेनाइजेशन थे, जिन्होंने मंदिर का गलत इस्तेमाल किया, उसकी उन्होंने पिटाई भी की, क्योंकि वो अच्छे हिंदू भाई थे, ठीक है ना? तो कई वो भी थे कृपाने लेके आ गए खालिस्तान के, भाई खालिस्तान के नारे क्यों, इसका पता कि पूरे दुनिया में क्या मैसेज जाता है पंजाब के अंदर? उन्होंने आई इंटेलिजेंस ब्यूरो पे हमला किया, जिन्होंने अपना वहां पकड़े गए आपके करनाल के अंदर, क्या वो भी कल को बंदी सिख बनेंगे? ये सवालों का जवाब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को, देश की जनता के सामने देगा, देना होगा कि जो आगे भी हथियार, आगे भी कातिल, आगे भी लुधियाना में बम चलाने वाले, क्या जो वो पकड़े जाएंगे क्या वो भी बंदी सिख होंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न, और बड़ा बम चलाते जाओ, हथियार पकड़े जाए, पाकिस्तान से आते जाए, लोगों के खून करते जाओ, और फिर बंदी सिख बन के छोड़ते। भी हरमंदर साहब के अंदर इतिहास में कभी नहीं हुआ, एक काफर, एक घटिया किस्म का इंसान आया, हरमंदर साहब के गुरु ग्रंथ साहब जहां विराजमान थे वहां चला गया। आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने उसको कभी खजलोड़ने की कोशिश की? उसका क्या हुआ, दब गया मामला? क्यों इतना बड़ा अपमान गुरु ग्रंथ साहब का होने लगा? किसी बहादुर व्यक्ति से नहीं रहा गया, मार मार के मार दिया, मैं भी होता मैं भी मार देता। अरे हमारे गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हो गया, उसके बारे में चर्चा कोई नहीं, बंदी सिख छोड़ दो, बेगुनाहों के कातिल छोड़ दो। अरे गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करने वाले को दुनिया के सामने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो नमस्तक करते हो, तस्वीर लाओ, किसने भेजा, कौन हुआ, क्या इंक्वायरी हुई? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, जहां धार्मिक कोई भी मुद्दा आता है, गुरु ग्रंथ साहब का आता है, उसका अपमान होता है, चाहे वो ब्लू स्टार ऑपरेशन हो, चाहे कहीं भी गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ हो,
उसका एक कमेटी बिठा करके, इंडिपेंडेंट कमेटी बिठा करके, क्यों शुरुआत हुई पंजाब से, क्यों ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, क्यों 84 के दंगे हुए, क्यों हरिमंदर साहब का अपमान हुआ, एक लड़के ने किया, काफर ने किया, वो सामने आनी चाहिए। हमने तो यह चीजें पिछली निकलती रहेंगी, आगे चलती रहेंगी। हाँ, एक तुसी भी उल्लर के बारे में आपने सवाल पूछा, कहा यह गया सुप्रीम कोर्ट का देना, कहा यह गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बुल्लर को छोड़ दिया, बिट्टा की लेटर को खारिज कर दिया। नहीं, वो गलत था, यह बताने आया, यह कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट ने मुझे कहा, तीन जजों के बेंच ने, मुकुल रोहतगी जी आए वहां पे, अगर इसको छोड़ेंगे तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, अगर छोड़ ही नहीं रहे तो आप कोर्ट में क्यों आए, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने लिख के भेजा रहा छोड़ दो, मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया। जो गुरु नानक देव जी के बर्थडे के ऊपर इनका भी नाम था, जो चले गए छोड़ दिए, हमने को विरोध नहीं किया, छोड़ दिए ठीक है गुरु मारे, हमने को विरोध नहीं किया। अब हमारा कोर्ट में पहले केस था, अब ये सुप्रीम कोर्ट की कापियां। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं उन लोगों को जो रोज लोग शोर मचाते हैं जहां बुल्लर के ऊपर कि बिट्टा की अपील मेरी खारिज नहीं हुई, बुल्लो को आज छोड़ो, कल मैं कोर्ट में चले जाऊंगा। अब ये कहते केजरीवाल जी छोड़े, केजरीवाल जी कैसे छोड़े जी, वहां चार आदमियों की कमेटी बैठी थी जिसमें दिल्ली सरकार का होम मिनिस्टर था जितेंद्र जैन, जिसमें सेशन जज थे, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से था, स्टेट अटार्नी था, दो और जज थे। कोई माना नहीं, कहते बुल्लर नहीं छोड़ा जा सकता, केजरीवाल जी कैसे छोड़ देंगे बताइए, वो अकेले कैसे छोड़ देंगे। अरे सबूतों से बात करें ना, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो मैं चर्चा करते हैं, सबूतों से बात करें, अकेले नहीं छोड़ सकते। शासन जज केजरीवाल के अंडर नहीं है, शासन जज सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, दिल्ली पुलिस इंडिपेंडेंट है, वो दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है। जितनी देर तक सबकी राय नहीं होगी इसको नहीं छोड़ सकते। तो ये मैं क्लियर आपको कर दूं, अगर इनको छोड़ा जाता है बेफजूल सुरक्षा जो लोगों के पास है वापस नहीं। राजनीति हो रही है, हम कर ही रहे राजनीति, राजनीति तो देश को बर्बाद किया है, राजनीति ने पंजाब को तबाह किया है, अभी वही राजनीति हो रही है। बात सुनो, पहले राजुआना के ऊपर उनकी बुआ जी ने कहा था जो मंत्री रहे इसको छोड़ दो, उसके बाद फिर परिवार ने कहा छोड़ दो, फिर किसान आंदोलन आया कि सरदार बेम सिंह जी के कातरों को छोड़ दो, किसानों की मांगे माने क्यों भाई, वाय मैं तो नहीं सहमत बिट्टू जी के साथ। अब वो कहते हैं राजवाना को नहीं छोड़ना चाहिए, पुल्लर को, तुम्हारे घर का राजा क्या, मेरे से बहस कर रहे बिट्टू।